हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल होम स्टाइल कुकिंग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस स्पेशल केक, फ्रूट केक की रेसिपी। आप इसे बिना ओवन, बिना अंडा और बिना किसी झंझट के ही बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेकरी जैसा केक घर पर ही बना सकते हैं, और वो भी कढ़ाई में। तो इसे बनाने के लिए जो भी खास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए, इस क्रिसमस पे बेकरी जैसा केक हम घर पे ही बनाएंगे, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप फ्रेश ऑरेंज जूस। अगर आप जूस नहीं डाल रहे हैं तो इसकी जगह पे आप जो पैकेट्स में जूस आते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हैं इसकी जगह पे। तो अब इसमें जाएगा कुछ टूटी फ्रूटी, मैंने लिया है रेड, येलो, ग्रीन कलर का, तीनों कलर का मैंने लिया है, दो दो चम्मच के लगभग, और किशमिश मैंने लिया है दो चम्मच के लगभग। तो इन सारी चीज़ों को जूस में हम डाल देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर चेरी भी कट करके डाल सकते हैं, ब्लैक रेजन चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जूस में, और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसे ढककर एक घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे, ताकि अच्छे से ये फूल जाएगी और जूस को एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छे से फूल भी जाएगी। तो चलिए, इसे हम रख देते हैं साइड में। और इसके बाद जो है गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ा लेंगे, और इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। फ्लेम को यहाँ पर लो रखना है दोस्तों, और यहाँ पर इसे चलाना नहीं है बिल्कुल चीनी को, पहले इसे फैलाकर हम छोड़ देंगे। तो इसका हमें बनाना है कैरमल सिरप, जो बहुत ही अच्छा कलर देता है केक में। तो बस इसे इस तरीके से फैलाकर छोड़ देंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर हम इसे चलाना शुरू करेंगे और कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे। तो चीनी जो है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, और ये देखिए हमारा जो कैरमल सिरप है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब इसमें करना क्या है कि फ्लेम को ऑफ करके आधा कप मैंने पानी लिया है, पानी को एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे और इसे हम चलाते जाएंगे। थोड़ा सा चिपचिपा होगा और जमा जमा जैसा हो जाएगा आपको, लेकिन घबराइएगा नहीं, बस आप पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। तो पूरा अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा फिर से, और आपका जो कैरमल सिरप है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है रेडी हो जाएगा। तो बस करना ये है कि इसमें हम एक उबाल और आने देंगे, उसके बाद यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे। और कैरमल सिरप से जो है ना केक में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो बेकरी जैसा केक बनाने का ये पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है, और ये है दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे केक को जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, बिल्कुल बेकरी जैसा, जैसे बेकरी में मिलता है ना बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्लेंडिंग जार, और इसमें मैंने डाला है दो इलायची, चार लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी जायफल। तो इसे हमें कर लेना है ब्लेंड। तो ऐसे अगर आप पीसेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा दरदरा रह जाएगा। तो इसमें मैंने दो चम्मच चीनी डाल दिया है, तो इसके साथ हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये दरदरा नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बारीक हो गया है। तो आप जब भी केक बनाएं तो इसे ज़रूर डालें, इससे केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमें करना ये है कि जो केक को बेक करने के लिए जो हमारी कढ़ाई वाली ओवन है उसे प्रीहीट करना है। तो यहाँ पर जो है कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बेक कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा यूज किया हुआ नमक था वही मैंने डाल दिया है, और स्टैंड लगा दिया है इस पर फैलाकर नमक को, और 10 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। और केक का जो बैटर है वो रेडी करने से पहले जो है हमें जो है केक टिन रेडी कर लेना है, क्योंकि बैटर बनाने के बाद जो है सारे प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक टिन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो हर एक साइड में ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे केक टिन को, ताकि केक आसानी से निकल जाए। और इसमें आप मैदे से डस्ट करके भी आप इसे कोट कर सकते हैं, या फिर बटर पेपर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर भी इस तरीके का अगर है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद ऊपर से एक बार और ग्रीस कर लेंगे इसे। चलिए, हमारा केक टिन जो है रेडी हो गया है। तो सारा कुछ रेडी हो गया है, तो अब हम केक का बैटर भी रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप दूध, और इसके साथ जाएगा 1/4 कप ऑयल। तो ऑयल मैंने यहाँ पर रिफाइन ऑयल लिया है, बस आपको वैसा ऑयल लेना है जिसमें कोई स्मेल ना हो, बटर घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल, देखिए। तो इस पर छन्नी लगा देंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ों का मेजरमेंट के लिए कटोरी कप जरूर सेट कर लीजिएगा। तो 1 कप इसमें मैंने लिया है मैदा, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच मिल्क पाउडर,
जो कि हमारे केक को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, ज़रूर डालिएगा अभी। और ये जो मैंने खड़े मसाले पीसे थे ना चीनी के साथ, वो भी इसमें डाल देंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही डालेंगे एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और इन सब को अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। तो कुछ भी जो मसाले वगैरह जो हमने पीसे थे उसमें अगर कुछ मोटा ऐसा रह जाएगा तो वो निकल जाएगा, और मैदे में अगर कुछ होंगे तो। तो चलिए ये छन गए हैं, और इसमें अब हम डाल देंगे कैरमल सिरप हमारा, जो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो सारे सिरप को मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें डाल देंगे जो मैंने किशमिश टूटी फ्रूटी सारा कुछ डाला था ऑरेंज जूस में, तो वो भी इसमें डाल देंगे। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो एक क्रिसमस स्पेशल केक होता है ना, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स नट्स होते हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, तो काजू बादाम और अखरोट लिए मैंने दो दो चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं काटना है, थोड़ा सा बड़े साइज़ में ही काटेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारीक आप उसे कर दें। तो इसमें जो पसंद हो आप डालें, अगर नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और मुझे लग रहा है कि जो हमारा बैटर है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी अभी यहाँ पर जो है गाढ़ी लग रही है मुझे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के लगभग दूध। और दोस्तों यहाँ पर दूध डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि केक का जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच वनीला एसेंस, तो इसे मिक्स कर लेंगे। और ये केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और उसके बाद इसे हम एक बार टैप टैप कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो ओवन है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है इधर, और ये ऐसा ओवन है जो हर किसी के घर में होता है, और हर कोई बहुत ही आसानी से घर में केक बना सकता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए केक टिन को सावधानी से स्टैंड पर रख देंगे। और ये जो क्रिसमस स्पेशल केक होता है वो बहुत ही डेकोरेटेड होता है, जो कि मैंने अभी नहीं किया है, तो इसे हम आगे करेंगे डेकोरेट। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और कितना देर केक को बेक करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल इसे हमें ढककर मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देना है। और केक को जो है 1/2 घंटे हो चुके हैं बेक होते हुए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि केक जो है फूलना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे ही हमें केक को करना है डेकोरेट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ काजू लिए हैं, और कुछ ब्लैक रेजन, और कुछ टूटी फ्रूटी। आप जैसे चाहें केक को सजा लें। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो बहुत जल्दी जल्दी हमें करना है यहाँ पर, तो जितनी जल्दी हो सके केक को सजा लें, और उसके बाद फिर से इसे हमें ढक देना है। तो इसे 20 मिनट के लिए और हम बेक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पूरे 50 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए। 1/2 घंटे यानी 30 मिनट पहले मैंने इसे बेक किया था, और डेकोरेट करने के बाद 20 मिनट और मैंने इसे बेक किया है। टोटली 50 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि केक जो है परफेक्ट तरीके से बेक हो चुकी है। लेकिन इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है केक के बीचों बीच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टूथ पिक। तो यहाँ बीचों बीच डालने से अच्छे से पता चलता है कि केक जो है बेक हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि टूथपिक एकदम क्लीन है, कुछ भी इसमें जो है सटा हुआ नहीं है, गीला वगैरह नहीं है ये। इसका मतलब है कि केक जो है बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तो यहाँ पर अब करना है कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। और केक जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम डिमोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार चाकू घुमा लेंगे, ताकि जो है केक अच्छे तरीके से कहीं भी चिपका अगर होगा तो वो अच्छे से जो है साइड से वो निकलने में आसानी होगी। तो चाकू को घुमा लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से प्लेट लगाकर केक टिन को उल्टा कर लेंगे, और इसे टैप टैप करेंगे, शाबाशी देंगे केक टिन को, तभी तो आपका केक बाहर निकलेगा। और ये देखिए हमारा जो केक है बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल गया है। तो इसका जो बटर पेपर है वो भी हम निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना सुंदर केक बन गया है, और हर एक साइड से बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं बेक हुई है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। तो चलिए इसे पलट लेते हैं, मतलब सीधा कर लेते हैं, और इसे कट भी कर लेते हैं। कट करने से ही पता चल जाएगा कि केक कितना अच्छा बना है। और इतनी अच्छी केक अगर आप घर में बना लें तो कितनी खुशी होती है दोस्तों। तो बिल्कुल बेकरी जैसा केक जो है आप घर पर बना सकते हैं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और इस क्रिसमस पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए मेरी मेहनत और मेरी कोशिश
और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।